आप देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम खट्टर की खोटी आ गया, वह खट्टर की खोटी रही, दिखा खट्टर की खोटी, वह खट्टर की खोटी रही। 10 दिन पहले का टाइम दे रहा था, हर बार जी भी बीजेपी में भाई दिक्कत आवा सबसे पहले जी किसी उम्र पर दिक्कत आकर अपने बाप लगा लू करा, बीजेपी पर दिक्कत आवा सबसे पहले अपने बाप लगा लू कहेगी। इनके बाप का नाम है कोरोना, जिसने चाइना से लिया ठाका, जब भी किसान इनकी पटन लगा कोरोना ना का करता, और कोरोना का हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक इलाज बताया था भैया, थाली या थाली था ना बजानी, अब आज तक ना बजाते फिर रहे, इन्होंने के लो लियो फिर रहा ताकि हमारा कोरोना ना हो, कोरोना से बचने का यू ले जा सारे थाली यार एक खर्च के लो रखियो, क्योंकि मोदी ने बता रखा थाली जानते कोरोना भाग जा, कोरोना के पीछे इनका बाबा ओमिक्रोन, एक और ओमिक्रोन इससे बड़ा हो इनका बीजेपी का बाबा, वो बीजेपी जाएगा थाली सिर में मारनी, यू पॉलिटिक्स में थाली मारोगे ओमिक्रोन भाग जाएगा। हर एक आदमी ने लूटने लग रही सरकार का, एक काम बता दो सरपंचा पा जाओ पहले, तो सरपंचा भाई ने कहा भाई 60% अपने अंदर सरपंचा का मान देव कारण लग रहे, 2 लाख तो प्री ट्रेनिंग में काम कर सकेगा, ताकि क्यों करे क्योंकि इन पर पैसे नहीं है। दूसरे नंबर पर लुटन लग रहे हमारे बच्चे ना डॉक्टर ना जम बीबीएस कोर्स कर रहे, उन्हें लुटन लग रहे, उनका इनका बॉन्ड कर दिया ना, पहला बॉन्ड था 20,000 का 2019 में, 50,000 का था 2020 में, 80,000 का था 2022 में, सीधा 40 लाख पर पंचायत दिया, हमारे बच्चों का बॉन्ड क्यों पंचायत दिया, क्योंकि सरकार अगे नहीं दूसरी स्टेट में सरकार अगे खातर बीजेपी ने पैसे चीव सारे का सारा पैसा उठा जान लग रहा। हमारा जो राज्यपाल बनाया रखो रहेगा बाहर का बनाया रखा हो बंडारू सा जो नू बनाया रखा, ताकि उन्हें बैठ के ध्यान रखता रहा, जितने भी बाहर तेरा प्रोजेक्ट आवा विदेश नीति के तहत सारे के सारे उड़ते गुजरात ले जावा, और बैठ कर ध्यान दे रहा पहरा दे रहा, हर एक आदमी ने लुटन लग रहा। उसके बाद किसानों पर जो जो हमारी आज की मुख्य मांग है और मेन समस्या है, जो जिसके लिए हम यहाँ पे खट्टर के निवास का कदर न दिया, सबसे पहले तो 2500 रेट इन्हें 2000 क्विंटल का रखा प्यार जीरी का रेट 2500 रेट, अगर ब्रीक जीरी कोई सी भी तो 2500 रुपये तो ऊपर थारी बिकेगी, 2500 में बिकेगी, 2500 में बिकेगी 50 रुपये सरकार टैक्स के रूप में लेगी, 2500 से ऊपर बिकेगी तो 2% टैक्स लगेगा उस पर, सबसे पहली बात तो होगी। दूसरी बात होगी अगर डीजल वाहन 10 साल पुराने 10 साल डीजल वाहन और पेट्रोल वाहन हम बंद कर देंगे, खट्टर ने 10 साल हो लिए, मोदी ने 10 साल हो लिए, दोनों बूढ़े हो लिए प्रदूषण फैला रहे, दोनों ने बदले ना अभी हमारी गड्डियों की जगह यहाँ भी बदले जाएंगे। तीसरे नंबर पर MSP गारंटी खरीद कानून, जिससे मरते ने गारंटी भी वादा कराया था किसान आंदोलन जब खत्म करा था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चौथी हमारी मांग थी जो जुमला मास्टर आप देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जो बिजली पर ACD चार्ज लगकर आ रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, साथ ही साथ ग्रामीण जो शुल्क लगाया जा रहा है फसलों पर उसके विरोध में भी किसान सड़कों पर उतरे हैं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के घर के बाहर जो ये है प्रदर्शन किसानों का जोरों से देखने को मिल रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है और बैरिकेड्स भी CM मनोहर लाल घर के बाहर लगा दिए गए हैं, भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं ये CM मनोहर लाल का जो है आवास है और यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रेम नगर का ये इलाका है और आप देख सकते हैं यहाँ से किसान और आते हुए नजर आ रहे हैं, उस बैरिकेड को खोल दिया गया है, हालांकि वहां पर भी वाटर कैनन की जो मशीन है वो रखी गई थी, और अब जो किसान है
प्रोटेस्ट करते हुए, प्रदर्शन करते हुए सीएम मनोहर लाल के घर के बिल्कुल बाहर आ गए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रेम नगर का ये इलाका है। सीएम मनोहर लाल के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। किसान जो है वो पहुंचे हुए हैं, कुछ मांगे हैं। ग्रामीण विकास जो शुल्क है वो फसलों पर नहीं लगना चाहिए, और उसके साथ साथ जो बिजली पर एसीडी टैक्स लग रहा है वो नहीं लगना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहिए चाहेंगे, किन किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर पहुंचे हैं? तो नू बता, इन्होंने एक बार टैक्स ला दिया, जो ट्रैक्टर जो मारे उनमें हमने काम जो ले रहे हैं, 60,000 का ट्रैक्टर मारा, कोई प्रदूषण नहीं है। हम नए कुकर खरीदेंगे 10-10 लाख के, अग करते लाओगे पीछे। इन्हें तो कंपनी के लिए सौदा कर रखा, अग भाई इन्हें दलाल है बीच में। ये एक बता, ताऊ वाला ट्रैक्टर जो आ जाओ, वो 60 मॉडल है, 58 मॉडल है, और आज लोग ओके पाथे भी लिया था मैं, और जो है नहीं मैं उन्हें बेच कर तरवा का 40,000 का ट्रैक्टर ने 10 लाख का ले लूंगा के, अरे किले नहीं बिकी की जाएंगे के मारे। इन्हें तो पीछे कमाने कंपनी के लिए सौदा करके। ओ भाई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो किसान नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन? पूरे हरियाणा के अंदर एक तो बिजली बिलों में एडवांस कंज्यूमर डिपॉजिट के नाम से एक नया टैक्स लेके आए हैं पूरे हरियाणा के अंदर, एक उसका विरोध है। दूसरा, 10 साल पुराने डीजल, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन बंद करने जा रहे हैं। हमारी फसल बिक्री पर 2% टैक्स और लगाएंगे, जो ग्रामीण विकास शुल्क के नाम से। इन सारों को लेकर आज सीएम हाउस पर हमारा धरना प्रदर्शन है। आप तो अंदर ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए भाई, हम कभी रुके ही नहीं करनाल में, और ना कोई रोक सकता। और यहाँ पर आज सीएम को ट्रेलर दिखाने आए हैं, फिल्म अभी बाकी है। सीएम को कह रहे हैं मान जा, नहीं तो मनवाना भी जानते हैं, पहले भी तेरे को हर बार मनवाया है। तो ये जो टैक्स है, पूरी हरियाणा की जनता को भी अपील करेंगे, ये सर्वी के सांझी मांगे हैं। डीजल पेट्रोल वाहन सब पे हैं, सब पे बिजली के बिलों पे टैक्स लगा, सारों को बाहर आना चाहिए, इस सरकार का विरोध करना चाहिए। इनकी धक्का से गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलने देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो किसान यूनियन वाले बिल सरकार बिल नहीं देंगे, नहीं देंगे, धक्का करेंगे, अभी बिल बंद करेंगे, और रौला पाएगा जो आगे मुक्ति चलाई मुक्ति चलाएंगे। आप देख सकते हैं जो बिजली के बिल हैं उस पर एसीडी टैक्स जो है वो अब लगता हुआ नजर आ रहा है, और किसान अपना ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल है, किसान है, इधर सीएम मनोहर लाल का आवास है। साथ ही साथ सरकार ये भी कह रही है 10 साल पुराने जो डीजल वाहन है और 15 साल पुराने जो पेट्रोल वाहन है वो बंद कर दिए जाएंगे, जिसके चलते किसानों में गुस्सा है, क्योंकि उनके ट्रैक्टर होते हैं और उसी के जरिए वो फसल जो है खेतों में जो है हल जोतते हैं। और ऐसे में एक बात और सामने निकल कर आ रही है, वो ये कि ग्रामीण जो शुल्क है फसलों पर लगाया जा रहा है 2%, उसका भी किसान विरोध कर रहे हैं। और अब सीएम मनोहर लाल के आवास के बाहर ही बैठकर जो तमाम किसान है भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर बैरिकेड्स, उधर सीएम मनोहर लाल का आवास, भारी संख्या में पुलिस बल, और ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।